हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज से जो हम जो है भारत का संविधान। जी हाँ दोस्तों, भारत का संविधान विकास, यह जो है दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे कवर करते हुए चलते हैं। और करते हैं दोस्तों पहले संविधान। तो संविधान के बारे में दोस्तों जान लेते हैं। संविधान, जब हम संविधान निर्माण और संविधान सभा के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले क्या था दोस्तों कि भारतीय संविधान के निर्माण में निम्न घटनाओं की प्रमुख भूमिका रही है। यानी कि भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ तो कौन कौन सी जो घटनाएं हैं दोस्तों, कौन कौन से मिशन है, उन्हें हम कवर करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले जो मिशन आता है दोस्तों हमारा, आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की बात करें दोस्तों, तो जब ब्रिटेन में जब 1945 में आम चुनाव हुए, तो उस टाइम जो है उदारवादी वाली जो लेबर पार्टी के सर क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। कौन बने दोस्तों? क्लीमेंट एटली जो है प्रधानमंत्री बने। जब जो वहाँ पर 1945 में आम चुनाव हुए, तब कौन बने दोस्तों? जो उदारवादी वाली पार्टी, लेबर पार्टी के सर क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। और इन्होंने जो दोस्तों भारत में शांतिपूर्ण तरीके से हस्तांतरण तथा संवैधानिक मामलों के समाधान हेतु क्या किया, 24 मार्च 1946 में 3 सदस्यीय मिशन भारत भेजा। तो कितना मिशन, जो कैबिनेट मिशन दोस्तों जो कब भेजा? 24 मार्च 1946। क्यों भेजा दोस्तों? क्योंकि भारत में जो है शांतिपूर्ण तरीके से हस्तांतरण तथा संवैधानिक मामलों के समाधान हेतु जो है 3 सदस्यों वाला जो है यहाँ पर क्या भेजा दोस्तों, इन्होंने मिशन भारत भेजा, जो क्या कहा गया दोस्तों, कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया दोस्तों? 24 मार्च 1946। तो ये जो 3 सदस्य थे दोस्तों कौन कौन थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स। कौन थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। दूसरे कौन थे दोस्तों? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। ये जो 3 सदस्य दोस्तों, इसे आप अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि इनमें से प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। तो अगला आता है दोस्तों कि मिशन ने जो है भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना क्यों, संविधान निर्माण के लिए एक योजना प्रस्तुत की। तो मिशन ने क्या किया दोस्तों, जो भारत में तत्काल जो है तुरंत जब यह भेजा गया भारत, तो तत्काल जो दोस्तों ने अंतरिम सरकार की स्थापना एवं संविधान निर्माण के लिए ये योजना प्रस्तुत की। तब बात करते हैं दोस्तों अंतरिम सरकार का गठन। अगर हम अंतरिम सरकार की गठन की बात करें दोस्तों, तो कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के तहत 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा की गई। यानी कि जो अंतरिम सरकार की घोषणा कब हुई दोस्तों, जो कैबिनेट मिशन ने जो घोषणा की कब की, 24 अगस्त 1946 को की। और 2 सितंबर 1946 को जो दोस्तों नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। तो अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ दोस्तों, जो अंतरिम सरकार थी हमारी उसका गठन हुआ 2 सितंबर 1946 को। किसके नेतृत्व में? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो है अंतरिम सरकार का गठन हुआ। और कैबिनेट मिशन द्वारा जो दोस्तों अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई, 24 अगस्त 1946 को, इसे भी आपको नोट कर लेना है। अब बात करते दोस्तों अगला जो पॉइंट है कि 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग सरकार में शामिल हो गई। और जो मुस्लिम लीग है दोस्तों वो सरकार में तब शामिल हो गए दोस्तों, 26 अक्टूबर 1946 को जो है मुस्लिम लीग जो है सरकार में शामिल हो गई। मुस्लिम, तो जो अंतरिम सरकार है दोस्तों, जो अंतरिम मंत्रिमंडल था हमारा, अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसे जो दोस्तों आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से जो है इन सभी चीज़ों को नोट करते हुए चलना है। तो जो अंतरिम मंत्रिमंडल है दोस्तों हमारा, उसमें जो है लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि जो लॉर्ड माउंटबेटन है वो क्या थे, इसमें अध्यक्ष थे, इसे भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि उपाध्यक्ष, विदेशी मामलों तथा राष्ट्रमंडल, जो उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यानी कि विदेशी मामलों तथा राष्ट्रमंडल के उपाध्यक्ष थे। और वल्लभ भाई पटेल क्या थे दोस्तों, गृह सूचना और प्रसारण, जो वल्लभ भाई पटेल के पास क्या था दोस्तों, गृह सूचना और प्रसारण जो है था, किसके पास था, वल्लभ भाई पटेल के पास था। और जॉन मथाई की बात करें दोस्तों, तो उद्योग तथा आपूर्ति विभाग किसके पास था, जॉन मथाई। और उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो बलदेव सिंह के पास क्या था दोस्तों, रक्षा विभाग था। और सी राजगोपालाचारी के पास क्या था दोस्तों, शिक्षा विभाग किसके पास था, सी राजगोपालाचारी। और राजेंद्र प्रसाद के पास क्या था दोस्तों, खाद्य एवं कृषि विभाग, जो खाद्य एवं कृषि विभाग किसके पास था, राजेंद्र प्रसाद के पास था। और सी एच भाभा यानी कि इसके पास क्या था दोस्तों, कार्य खान तथा बंदरगाह। और अरुणा आसफ अली की बात करें दोस्तों, तो क्या था इनके पास, रेलवे एवं परिवहन विभाग, तो इसे भी आपको नोट करते हुए चलना है। तो अगला आता है दोस्तों जगजीवन राम की बात करें तो इनके पास क्या था, श्रम विभाग, इसे भी आपको नोट करना है। तो अगला आता है लियाकत अली खां की बात करें दोस्तों, तो यह जो है वित्तीय विभाग था। तो जो वित्त विभाग था दोस्तों,
वो किसके पास था, लियाकत अली खां के पास था। और अब्दुल रब निस्तार इनके पास क्या, कौन सा विभाग था दोस्तों, संचार विभाग। और जोगेंद्र नाथ पंडल इनके पास क्या था दोस्तों, विधि विभाग था। कौन सा विभाग था, विधि विभाग। और गजनफर अली खां इनके पास क्या था दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग। और लास्ट में जो आता दोस्तों आई चुंदरीगर इनके पास क्या था, वाणिज्य विभाग। जो वाणिज्य विभाग के जो अध्यक्ष थे दोस्तों कौन थे, आई आई चुंदरीगर। जो ये भी अंतरिम मंत्रिमंडल है दोस्तों, जो भी अध्यक्ष है जिनके पास ये सभी जो कार्यालय है इन्हें आपको जो है अच्छे से देख लेना है, क्योंकि जो प्रश्न जो दोस्तों अब जो है इसी प्रकार से बन रहे हैं कि विदेशी मामलों तथा, प्रश्न किस प्रकार से बनता है दोस्तों कि उपाध्यक्ष अंतरिम मंत्रिमंडल में विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे दोस्तों, जो अंतरिम मंत्रिमंडल में जो है विदेशी मामला तथा राष्ट्रमंडल जो किसके पास था, तो इसका अध्यक्ष कौन था दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू था। और जो अंतरिम मंत्रिमंडल का जो अध्यक्ष था दोस्तों कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। इसे भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, और अंतरिम इसके बाद आता है दोस्तों हमारा आता है संविधान सभा। अब जो हम दोस्तों संविधान सभा का विकास किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से जो हमारे संविधान सभा का विकास हुआ, तो बात करते हैं दोस्तों जो भारत में जो है संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम तिलक के निर्देशन में निर्मित स्वराज विधेयक 1895 में दिखता है। तो सबसे पहले किसमें दिखता है दोस्तों, संविधान सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम किसके दिखता है, यानी कि तिलक, बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में निर्मित स्वराज विधेयक 1895 में दिखता है। उसके बाद आता दोस्तों अगला पॉइंट है कि 1922 में जो है महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। तो भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, यह किसने कहा था दोस्तों, महात्मा गांधी ने कब कहा था, 1922 में कहा था। इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो अगला आता है दोस्तों 1924 में क्या कहा था, मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि संविधान सभा की मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी। तो जो 1924 में दोस्तों मोतीलाल नेहरू ने जो है संविधान सभा की मांग जो है ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी थी। तो इसे भी आपको नोट कर लेना है, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो अगला जो पॉइंट आता है दोस्तों कि औपचारिक रूप से जो संविधान सभा के लिए विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम M.N. रॉय ने भी किया था। तो जो औपचारिक रूप से जो संविधान सभा के लिए विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया दोस्तों, M.N. रॉय ने किया था, जिसे लोकप्रिय बनाने के, जिसे लोकप्रिय बनाने और मूर्त रूप देने का कार्य 1939 में किसने किया, पंडित जवाहरलाल ने किया था। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेना है। तो अगला जो पॉइंट आता है दोस्तों, अगला आता है, यह जो पॉइंट है दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है, इन सभी पॉइंट को आप नोट करते हुए चलना है। अगला आता है कि 1942 में क्रिप्स मिशन ने संविधान सभा के गठन को स्पष्टतया स्वीकार किया था। तो संविधान सभा के गठन को जो है स्पष्टतया स्वीकार किसने किया था दोस्तों, 1942 में क्रिप्स मिशन ने किया था। और 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा इसे व्यवहारिक स्वरूप मिला। तो जो व्यवहारिक स्वरूप मिला दोस्तों संविधान सभा को किसके द्वारा मिला, 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा मिला। तो अगला आता दोस्तों कि संविधान सभा का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष प्रणाली यानी कि वयस्क मताधिकार द्वारा नहीं, तो संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ था दोस्तों कैसे हुआ था, यानी कि प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, प्रांतीय विधानसभा के सदस्य द्वारा जो है इसका निर्वाचन हुआ था। और किस प्रकार हुआ दोस्तों, अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा हुआ था। जो संविधान सभा का जब निर्वाचन हुआ दोस्तों, तो यह जो है वयस्क मताधिकार के द्वारा नहीं हुआ था। तो यानी कि वयस्क मताधिकार अधिकार के द्वारा इसका जो है निर्वाचन नहीं हुआ था। तो किसके तहत हुआ था दोस्तों, अप्रत्यक्ष प्रणाली के तहत जो है निर्वाचन हुआ था। और इस प्रकार जो दोस्तों संविधान सभा में जो है 389 सदस्यों में से 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के थे और 11 जो दोस्तों प्रांतों से थे। कितने थे ब्रिटिश भारत से, कितने सदस्य थे दोस्तों, 292 सदस्य थे। टोटल जो सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों, 389 थी, जिनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के और 11 प्रांतों से थे। और 93 जो सदस्य थे दोस्तों कहाँ से थे, देशी रियासत से थे। और 4 जो सदस्य थे दोस्तों चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। इन सभी को आपको नोट करते हुए चलना है। और जुलाई अगस्त 1946 में ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित, यानी कि उन 296 में से जो है 292 जो ब्रिटिश भारत कितने कितने सदस्य थे दोस्तों, 292 सदस्य थे जब चुनाव हुआ। तो अगस्त 1946 में जो है तब जो है ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित किए गए में से 296 में से 292 प्लस 4 चीफ
कमिश्नरी, तो कितने थे दोस्तों, 292 सदस्य थे और उनमें से जो है चार चीफ कमिश्नरी थी। स्थानों के लिए चुनाव संपन्न हुए, तो कितने सदस्यों के लिए चुनाव संपन्न हुए जुलाई 1946 में, 296 सदस्यों, जिनमें से दोस्तों कांग्रेस को कितने पद मिले, 208, और मुस्लिम को 73, और छोटे दल व निर्दलीय को कितने मिले, 215, और अन्य दल को जो है एक एक सीट इसमें प्राप्त हुई। तो ये जो भी सीटें प्राप्त हुई दोस्तों, इसे भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो अगला जो आता है दोस्तों, अगला आता है कि अब जो है संविधान सभा का चुनाव हो गया, अब आता है दोस्तों संविधान सभा की बैठक। संविधान सभा की बैठक की बात करें दोस्तों, तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें 211 सदस्य ने, कितने दोस्तों, 211 सदस्यों ने भाग लिया। तो बात करते हैं दोस्तों, जो हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि दोस्तों जो है संविधान सभा में शामिल नहीं हुए, तो इसे आपको नोट कर लेना है, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो कौन सी देशी रियासत के सदस्य जो है दोस्तों संविधान सभा में जो है शामिल नहीं हुए, तो कौन सी है, हैदराबाद देशी रियासत। तब आता है दोस्तों कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें जो है दोस्तों अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया, सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। और उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों कि 11 दिसंबर, ठीक 9 दिसंबर के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें जो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इस पॉइंट को आप भी अच्छे से नोट कर लेना है, काफी महत्वपूर्ण है। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें दोस्तों 211 सदस्यों ने भाग लिया, और इसमें जो है सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और 11 दिसंबर 1946 को जो है दोस्तों संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और ठीक इसी के 2 दिन बाद दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किए। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव है जो दोस्तों जो सभा में प्रस्तुत किसने किए, वह किया दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कब किया, 13 दिसंबर 1946 को। इसे भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो बात करते हैं दोस्तों जो उद्देश्य प्रस्ताव है दोस्तों, वह जो है 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया। तो संविधान सभा द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकृत किया गया दोस्तों, 22 जनवरी 1947 को जो है स्वीकृत किया गया। तो इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, अगला आता है जो दोस्तों संविधान सभा के तौर पर जो है इसकी अध्यक्षता किसने की दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, यानी कि जो संविधान सभा के तौर पर जो है अध्यक्षता कौन करते थे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि विधायिका संसद के तौर पर जो है श्री जीवी मावलकर करते थे। तो जो संविधान सभा के तौर पर जो उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, और विधायिका के तौर पर जो है किसके द्वारा की जाती थी दोस्तों, श्री जीवी मावलकर द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की जाती थी। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना है। तो अगला जो आता है दोस्तों कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपनी अंतिम बैठक की। तो संविधान सभा ने अपनी अंतिम बैठक कब की दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को की, और जिसमें जो है सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो ये पॉइंट है दोस्तों, इसमें आपको स्टार लगा देना है, यानी कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी तब हुई थी 24 जनवरी 1950 को, जिसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का जो है राष्ट्रपति चुना गया, सर्वसम्मति के द्वारा जो है भारत का राष्ट्रपति चुना गया। इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो अगला जो पॉइंट आता है दोस्तों, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा। तो संविधान को पारित करने का प्रस्ताव किसने रखा दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रखा। और 26 नवंबर 1949 को जो है उपस्थित 248 सदस्यों ने जो है संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो कितने दोस्तों, जो 248 सदस्य जो है, जब 26 नवंबर 1949 को जो है 248 सदस्यों ने जो है संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए, जिनमें जो है महिलाओं की संख्या कितनी थी दोस्तों, 8 जो इनमें महिलाओं की संख्या थी। तो बात करते दोस्तों अगला जो पॉइंट है कि 1949 में जो है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था, यानी कि 26 नवंबर 1949 को जो है दोस्तों भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। और 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान में चार व्यवस्थाओं, कौन कौन सी, संसद, नागरिकता, चुनाव व संविधान के अस्थाई, जो भी अस्थाई प्रावधान थे दोस्तों, उन्हें जो है कब लागू किया, 26 नवंबर 1949 को। तो इसे आपको नोट कर लेना है। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में जब संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था, तो इसमें जो है चार व्यवस्थाओं को लागू किया गया, कौन कौन सी दोस्तों, संसद को भी कब लागू किया गया, 26 नवंबर 1949 को, और नागरिकता
और तीसरा कौन सा दोस्तों, चुनाव, चुनाव को भी कब लागू किया गया, 26 नवंबर 1950 को। और संविधान के जो अस्थाई थे, संविधान के अस्थाई प्रावधान यानी कि अस्थाई अस्थाई प्रावधान को जो है दोस्तों 26 नवंबर 1950 को ही लागू किया गया। और जो शेष जो संविधान था दोस्तों हमारा कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को जो है लागू किया गया। जो शेष शेष जितना भी जो बचा संविधान में, जो भी संविधान में था दोस्तों, उसे जो है 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू किया गया। तो संविधान सभा कब लागू हुआ दोस्तों, 26 जनवरी 1950, जिनमें से जो है चार व्यवस्था जो है संसद, नागरिकता, चुनाव और संविधान को जो है 26 नवंबर 1950 में लागू किया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों अगला जो आता है कि 26 जनवरी का यह दिन जो है लाहौर में, तो 26 जनवरी को जब संविधान सभा को जो दोस्तों जो है लागू किया गया, तो 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया, क्योंकि दोस्तों जो है 26 जनवरी का यह दिन जो है लाहौर में कांग्रेस द्वारा मनाए गए भारत के प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस, यानी कि भारत का जो प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया, 26 जनवरी 1930 को मनाया गया, कि स्मृति में को संजोए रखने के लिए किया गया। तो इसे भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो अगला आता है दोस्तों कि संविधान को बनने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का जो है संविधान बनने में समय लगा। और संविधान सभा के गठन तथा संविधान निर्माण में जो है कितना खर्च हुआ दोस्तों, 64 लाख रुपए का जो है इसमें खर्चा हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों संविधान दिवस की, तो संविधान दिवस की बात करें दोस्तों तो 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है दोस्तों, 26 नवंबर को, कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को जो संविधान दिवस मनाया जाता है, तो क्यों मनाया जाता है दोस्तों संविधान दिवस 26 नवंबर को, तो आइए इसे जान लेते हैं कि इसी दिन जो है दोस्तों 26 नवंबर के दिन जो है भारत का संविधान जो है क्या हुआ था, निर्मित हुआ था। 26 नवंबर 1949 को जो है भारत का संविधान निर्मित हुआ था और संविधान सभा द्वारा जो दोस्तों इसे स्वीकृत किया गया था। तो 26 नवंबर में जो दोस्तों संविधान दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो हमारा जो संविधान था वह जो है 26 नवंबर को पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था और संविधान सभा ने जो है दोस्तों इसे 26 नवंबर 1949 को जो है स्वीकार किया था। अब बात करते हैं दोस्तों संविधान दिवस, तो संविधान दिवस का जो आरंभ है दोस्तों कब हुआ, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में, कब हुआ दोस्तों 2015 में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती से किया गया। तो संविधान दिवस है दोस्तों कब से, जो संविधान दिवस मनाया जाता है कब से मनाया जाता है, 2015 से, कब से मनाया जाता है, 2015 से मनाया जाता है। तो 2015 से क्यों मनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती से, 125वीं जयंती से जो दोस्तों संविधान दिवस मनाया जाने लगा। इससे पहले जो संविधान दिवस था दोस्तों जो 26 नवंबर को मनाया जाता है, यह दो है दोस्तों विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसे आपको नोट कर लेना है, यानी कि 26 नवंबर को जो दोस्तों पहले जो है विधि दिवस क्या मनाया जाता था, विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। लेकिन 2015 के बाद तो दोस्तों 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस। तो इस पॉइंट को आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो अब बात करते हैं दोस्तों प्रारूप समिति, प्रारूप समिति की बात करते हैं। तो प्रारूप समिति की अगर बात करें दोस्तों संविधान की जो समितियां हैं तो कौन कौन सी है, सबसे पहले बात करते हैं प्रारूप समिति, तो इसकी अगर बात करें दोस्तों तो इसके जो अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इसके अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष भी कौन थे दोस्तों आपके, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बात करते हैं दोस्तों अगली जो समिति आती है कि मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति की बात करें दोस्तों तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसके अध्यक्ष थे। इन सभी को दोस्तों जो है आपको नोट कर लेना है क्योंकि यहाँ से जो है प्रश्न हमेशा हर बार जो है एक प्रश्न बनता है। तो अगला आता है प्रांतीय संविधान समिति, जो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी कि मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब बात करते हैं दोस्तों कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति की बात करें तो के एम मुंशी जो है इसके अध्यक्ष थे। और देशी रियासत समझौता समिति, देशी रियासत समझौता समिति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो दोस्तों इसके अध्यक्ष थे। और प्रक्रिया नियमित समिति, तो प्रक्रिया नियमित समिति की बात करें दोस्तों तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसके अध्यक्ष थे। तो यानी कि जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, संघ संविधान समिति और संघ शक्ति जो समिति थी वो किसके पास थी दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। और मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति और प्रांतीय संविधान समिति दोस्तों किसके पास थी,
सरदार वल्लभ भाई पटेल और सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थी। और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? के एम मुंशी। और देशी रियासत समझौता समिति और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इन सभी को दोस्तों आपको जो है अच्छे से नोट करते हुए चलना है। किसकी बात करते हैं दोस्तों? प्रारूप समिति की। अगर हम प्रारूप समिति की बात करें दोस्तों, प्रारूप समिति, यह जो समिति थी दोस्तों, जो भारतीय संविधान की सबसे प्रमुख समिति थी, यानी कि सबसे प्रमुख समिति थी। कौन सी? प्रारूप समिति। अध्यक्ष थी, अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इसके अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इसके अध्यक्ष थे। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों, जो इसके जो अन्य सदस्य थे, जो अन्य सदस्य हैं, तो कौन कौन जो दोस्तों इसके अन्य सदस्य हैं, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इसके जो सदस्य दोस्तों, पहला था एन गोपाल स्वामी अयंकर। कौन आता है? एन गोपाल स्वामी अयंकर। और दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों, और जो अन्य सदस्य कौन थे दोस्तों? के एम मुंशी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। और अगला जो सदस्य दोस्तों, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। और कौन थे दोस्तों? बी एल मिश्र। कौन थे? बी एल मिश्र। और जो अंतिम थे दोस्तों, यानी कि DP खेतान। यह सभी जो दोस्तों जो है संविधान की जो प्रारूप समिति है, इन सभी के सदस्य थे। अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे? अध्यक्ष जो थे दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो अगर बात करें दोस्तों, जो बी एल मिश्र है दोस्तों, बी एल मिश्र के जाने के बाद यह जो है दोस्तों, इन्होंने संविधान जो प्रारूप समिति के में जाने के बाद जो है, इनकी जगह कौन आया दोस्तों? कौन आया? एन माधव राय। कौन आया इनकी जगह? एन माधव राय। और टीपी खेतान की बात करें दोस्तों, इनकी जो है आकस्मिक मृत्यु हो गई। इनकी आकस्मिक मृत्यु होने के बाद जो टीपी खेतान के बाद जो है इनके स्थान पर आए दोस्तों, वो कौन थे? टीटी कृष्णामाचारी। कौन थे दोस्तों? टीटी कृष्णामाचारी। तो ये सभी थे दोस्तों जो है प्रारूप समिति के जो है सदस्य थे। तो जितने भी सदस्य हैं दोस्तों, जितने भी मैंने अभी सदस्यों के बारे में डिस्कस किया है, उन सभी सदस्यों को जो है आपने अच्छे से देख लेना है, क्योंकि इन सदस्य जो दोस्तों जो है अक्सर प्रश्न बनते हैं। तो यह था दोस्तों जो संविधान सभा के बारे में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, हमने जो है संविधान सभा का विकास कैसे हुआ, कब जो इसकी बैठक हुई, कौन अध्यक्ष था, उपाध्यक्ष था, इसकी जो समितियां थी, उन सभी के बारे में चर्चा कर ली है। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी दोस्तों, उसमें जो है हम जो है संविधान सभा की जो है जो प्रस्तावना होगी दोस्तों, नागरिकता हो गया, मूल अधिकार कर्तव्य है, और जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है दोस्तों, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।